कि जब मेरे ईसाई भाई कहते हैं यीशु आया यीशु आया यीशु आया, हैलेलुया हैलेलुया हैलेलुया, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है, यीशु आया यीशु आया यीशु आया, हैलेलुया हैलेलुया हैलेलुया, लेकिन भारत में तो सब आए, स्वागत है, यीशु भी आ गए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मंगोल आए, हिंद यूनानी आए, चीनी आए, अफगानी आए, तुरानी आए, अरबी आए, मुगल आए, पठान आए, मंगोल आए, फ्रेंच आए, डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, बोलो आए कि नहीं आए, सब इस देश में आए, तो यीशु भी आए, मोस्ट वेलकम। लेकिन हम अपने ईसाई परंपरा के भाइयों को भी ये बताना चाहते हैं, बहनों को भी ये बताना चाहते हैं कि यीशु आए, सिर्फ एक बात जान लो कि यीशु कहाँ आए। यीशु का जन्मदिन हैप्पी बर्थडे 25 दिसंबर आप मनाते हैं चर्च में, आप मनाते हैं सी बीच पर, आप अपने घरों को सजाते हैं, चर्च को सजाते हैं, ठीक है, लेकिन यीशु आए कहाँ? यीशु का जन्म हुआ गौशाला में, तो यीशु का जन्म हुआ गौशाला में तो आर्टिफिशियल गौशाला चर्च में बनाई जाती है, नकली गौशाला बनाई जाती है 25 दिसंबर को, उसमें गौ माता का पैरा सजाया जाता है, उसमें बाल यीशु को उसमें सुलाया जाता है, आजू बाजू लकड़ी की गाय बनाई जाती है, प्लास्टिक का नंदी बनाया जाता है, और अन्य जीव जंतु गौशाला के वो सब लकड़ी के प्लास्टिक के बनाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब यीशु गौशाला में जन्मे और आप नकली गौशाला प्लास्टिक की लकड़ी की आप एक दिन के लिए एक रात के लिए बनाते हैं, तो मेरे ईसाई भाइयों से निवेदन है कि 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन यदि कहीं मनाना है तो गौशाला में आकर ही मनाइए, असली गौशाला में आकर मनाइए, गौ माता को दूध दो, गौ माता के दूध का सेवन कीजिए, गौ माता को गुड़ और चारा खिलाइए। तो बोलो ईसाई परंपरा में भी गौ का महत्व है कि नहीं है? है। यदि नहीं होता तो यीशु मसीह कहीं और जन्म लेते, लेकिन उन्होंने गौशाला में जन्म लिया। तो इस बात को हमारे ईसाई भाइयों को भी समझ जानी चाहिए।